प्रेम की कमी है, उस प्रेम की कमी है जिस प्रेम से भगवान प्रकट होता है, वो आज प्रेम आपको भगवान की कथा से मिलेगा। भगवान का चरित्र सुनने से वो प्रेम मिल जाएगा आपको कि जिस प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। भगवान शंकर का ये वाक्य है कि प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट होता है। भगवान शंकर ने एक दिन सोचा कि वो परमात्मा जिसको मैं बिल्कुल समीप में पहुंचकर प्राप्त करना चाहता हूं और एक पुजारी बनकर के उसकी सेवा करना चाहता हूं कि मैं पुजारी बनकर के उसकी सेवा करूं। आप लोग जैसे पूजा करते हो भगवान की अलग बात है, लेकिन जो पुजारी पूजा करता है वो अलग बात है, उसको विशेषाधिकार होता है पूजा का। पूजा तो आप सब दिन भर करते हो, भगवान के सामने जाते हो, खड़े हो जाते हो, पूजा ही तो है। लेकिन पुजारी से पूछो वो कितना विधिवत पूजा करता है। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं पुजारी बनकर के पूजा करूं। इसके लिए भगवान शंकर को 11वें रुद्र में अपना रूप बदलना पड़ा और सेवा करने के लिए ऐसी सेवा जैसी पुजारी सेवा करता है भगवान की, ऐसी सेवा करने के लिए उन्होंने अपना रूप बदला 11वें रुद्र में। जय शरीर रति राम सो सुयाद नहीं सुजान, रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान, जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान, पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान, हर मानी शंकर। तो एक उपाय तो भव सागर चही पार जो पावा, तो राम कथा ताका दृढ़ नावा। और सुनो भैया, इसको अगर भव सागर को छोटा करना है तो एक उपाय और है। क्या? अगर आपको नाव में नहीं बैठना है तो एक उपाय और हम बता रहे हैं। क्या है? कथा से ही संबंधित। बोले कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते गऊपदेव भव निधि तरही। कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते गऊपदेव भव निधि तरही। आप सुनिए, हम कह रहे हैं, आप सुनिए। बस कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही इस पर चल जावे। क्यों भैया? अब अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लो, हम कहने वाले हैं, तुम सुनने वाले हो। राम कथा सुन करके इस पर चल जाओ तो ये भव सागर गौ खुर के समान छोटा हो जाएगा, पार जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल तुम्हें सुन के चलना है इस पर जो मैं सुना रहा हूं। समस्या यही तो है कि सुनते तो हैं लोग लेकिन चलते नहीं है लोग। बात यही है, सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है, यही समस्या है। आप सभी को आज संकल्प लेना है कि हम कथा सुन करके कथा के सिद्धांतों पर चलेंगे। तो आज बानरों ने कहा कि इस पार अगर सीता होती तो हम इस पार सीता होती तो पता लगा लेते, लेकिन उस पार सीता है इसलिए हम समुद्र पार कर ही नहीं सकते। जामंत्री ने कहा नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रयास तो करो। तो बंदरों ने कहा प्रयास तो कर रहे हैं। बोले निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाय कर संशय राखा, निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाय कर संशय राखा। सबने अपने अपने बल की बात कही,
लेकिन बल की बात कहने के बाद भी पार जाने में संशय हिम्मत नहीं पड़ रही। बल के ताकत के बल पर भव संसार से पार नहीं हो सकते हो। क्यों? ताकत के बल पर हो सकते हो क्या? भव संसार में ताकत के बल पर पार नहीं किया जा सकता है, भव संसार को पार किया जा सकता है तो राम नाम के भजन के प्रभाव से पार किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। राम नाम जपते रहो, भजन करते रहो, कथा सुनते रहो, भगवान का दर्शन करते रहो, यज्ञ की परिक्रमा करते रहो, कथाओं को सुनते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, संत दर्शन करते रहो, बस इससे क्या होगा? सागर पार कर जाओगे। लेकिन ये बंदर निज निज बल, ये सब बल की बात कर रहे थे, बोलो कर रहे थे, ये सब बल की बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, वहां सब अपने अपने बल की बात कर रहे थे, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा बल है वो बल की बात ही नहीं कर रहा। अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम हनुमान जी बैठे हैं, वो बल की बात नहीं कर रहे हैं। बोलो भाई, कर रहे हैं क्या? वो बल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सभी बंदर निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। जिसके पास बल है, क्योंकि हनुमान जी इस मर्म को जान सकता है, फिर समुद्र को पार करना है तो सहारा राम नाम का चाहिए। किसका सहारा चाहिए? या तो मेरे साथ राम हो तो मैं पार हो सकता हूं, या राम का नाम हो तब मैं पार हो सकता हूं। बस राम और राम का नाम दो ही पार कर सकता है, और कोई। ये सभी बंदर ना तो राम की बात कर रहे हैं, ना राम के नाम की बात कर रहे हैं। निज निज बल सब काहू भाखा, और पार जाए कर संशय राखा। सब अपने अपने बल की बात कर रहे हैं। हनुमान जी अतुलित बल धाम होने के बाद भी बल की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार किसी ने कहा, महाराज हमने तो पढ़ा है, हनुमान जी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कहि रीक्ष पति सुन हनुमाना, ओका चुप साध रहूं बलवान। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा है, क्यों? इतने बड़े बलवान हो लेकिन बल का प्रदर्शन करो, पार करो। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। जामवंत जी ने कहा, तो बल की बात छोड़ो, बुद्धि की बात कहें कि बुद्धि से पार करो। पवन तनय बल पवन समाना, ओ बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब बुद्धि की बात कहना चाहिए, लेकिन हनुमान जी ने बल की बात सुनी तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और बुद्धि की बात हुई तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन प्रतिक्रिया कब की? जब जामवंत जी ने कहा, राम काज लग तुए अवतारा, तो सुनते हैं भय पर्वताकार। राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, और जैसे राम काज की बात कही और राम का नाम हनुमान जी के कान में पड़ा, उसी समय चैतन्यता आ गई और जागृत अवस्था में होकर बोल पड़े, बताइए क्या करना। अच्छा बोलो भाई, चेतना किसने दिलाई? राम का नाम जब कान में पड़ा, राम काज, राम पहले शब्द निकला, राम काज लग तुय अवतारा। जैसे राम का नाम कान में पड़ा तो चैतन्यता आ गई। याद रखना, ये चेतना जो तुम्हें मिल रही है ये राम से मिल रही है। किससे मिल रही है चेतना?
राम से मिल रही है कि रबड़ी मलाई से? ये रबड़ी मलाई से तुम्हें चेतना नहीं मिल रही है, चेतना राम से मिल रही है। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन पवन देवता के द्वारा तुम्हें मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पवन तुम्हारे अंदर में है? पवन क्या मध्य प्रदेश सरकार के अंदर में है, भारत सरकार के अंदर में है? पवन देवता यदि तुम्हारी श्वासों में सहयोग कर रहे हैं तो ये पवन और पवन पुत्र दोनों श्री राम के संरक्षण में है, राम के अधिकार क्षेत्र में है। चाहे पवन हो चाहे पवन पुत्र हो, दोनों ही। और याद रखना, ये श्वासाओं में जो सहयोग मिल रहा है ये पवन के द्वारा मिल रहा है, और पवन परमात्मा के आदेश से काम कर रहा है। इसलिए सर्वोच्च सत्ता यदि है तो वो श्री राम की सत्ता है। किसकी सत्ता है सर्वोच्च? श्री राम की सत्ता है। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कदाचित भ्रमित मत होना। कोई कितना ही बहकावे, चाहे जैसी मानसिकता वाला तुमको बहकाने का प्रयास करे, लेकिन बहकना नहीं, सर्वोच्च सत्ता के रूप में श्री राम को मानना, प्रभु राम के बन जाना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, ये तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणित हो जाएगा, बदल जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि यदि राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है तो मैं राम काज करने के लिए संकल्पित हूं। और समुद्र, अब समस्या समुद्र है, लेकिन अगर प्रभु राम की कृपा होगी तो समस्या का भी समाधान हो जाएगा। समुद्र भी समस्या है लेकिन यह समस्या दूर हो जाएगी। कैसे होगी? बल के प्रभाव से कि बुद्धि? बोले बल बुद्धि से नहीं। बोले फिर? बोले समस्या का समाधान यदि होगा तो वो होगा राम की कृपा से, राम के नाम से, और कुछ नहीं, राम की कृपा और राम का नाम। तो राम जी कृपा करें, तो भगवान ने कृपा कर दी। कैसे कृपा की? हनुमान जी प्रणाम करने लगे राम जी को, तो पाछे पवन तने सिर लावा, ओ जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरूर ही पानी, ओ कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान श्री राम ने एक मुद्रिका दी, एक हाथ हनुमान जी के मस्तक पर रखा और मुद्रिका उंगली से उतार के हनुमान जी को दे दी। हाथ रख दिया मस्तक पर, उंगली से मुद्रिका उतार के हनुमान जी को दे दी। एक बात आपको बता मैं, हाथ ऊपर रखा है सिर के, किसके? हनुमान जी के, और मुद्रिका उतार के दी हाथ में, लो ये मुद्रिका क्या है? ये मुद्रिका सोने की मुद्रिका है इसलिए कीमत, या इसमें मणि लगी है इसलिए कीमत? नहीं नहीं प्यारे, इसमें जो मणि लगी है वो कौन सी मणि है? राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, जी है देहरी द्वार। राम नाम मणि दीप धर, राम नाम की मणि है इसमें। राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार। जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो अंधकार आ जाता है, बोलो आ जाता है अंधकार की नहीं? जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो अंधकार आ जाता है, लेकिन मणि का प्रकाश एक ऐसा होता है
दीपक के प्रकाश को हवा प्रभावित कर सकती है, लेकिन मणि के प्रकाश को समुद्र का पानी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। प्यारे, ये मणि का अस्तित्व है। बोलो भाई, कितनी भी लहरें क्यों ना उठें, लेकिन मणि के प्रकाश में किसी भी प्रकार का अवरोध, समुद्र की लहर हो, समुद्र का पानी हो, बोलो अवरोध पैदा कर सकता है मणि के प्रकाश में? जैसे मणि को समुद्र में डाल दो, तो मणि को आपने अगर समुद्र में डाल दिया और कहीं यदि आप में निकालने की क्षमता है, तो वर्षों बाद निकालना मणि प्रकाश देते हुए ही निकलेगी। मणि का प्रकाश समुद्र का पानी प्रभावित नहीं कर सकता है। बोलो, कर सकता है क्या? वो सही बताना। जैसे ही समुद्र में लहरें उठती हैं, तो वो लहरें अंधकार का स्वरूप धारण कर लेती हैं, अंधकार ही अंधकार छा जाता है। लेकिन प्रिय श्रद्धालुओं, सज्जनों, हनुमान जी महाराज आज समुद्र की लहरों से नहीं डर रहे हैं, समुद्र की गर्जना से भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि समुद्र की गर्जना क्या करेगी हनुमान जी की गर्जना के सामने? भर्जनम भवी गानम अर्जुनम सुख संपदाम अर्जुनम जमदूता नाम राम रामेति गर्जनम, राम रामेति गर्जनम। समुद्र की गर्जना क्या बिगाड़ सकती है? ये राम रामेति गर्जनम, इसलिए समुद्र की गर्जना कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फैल है समुद्र की गर्जना, ये लहरें फैल है, अंधकार नहीं दे सकती है हनुमान जी को। क्यों? राम नाम मणि। कौन सी मणि है उस मुद्री में? राम नाम रूपी मणि है। राम नाम अंकित अति सुंदर, एक एक शब्द शान ध्यान से सुनते जाना महत्वपूर्ण है। बोलो, है कि नहीं? आप सबके जीवन के लिए एक एक शब्द, ये कथा साधारण कथा नहीं है, सामान्य कथा नहीं है, ये आपके जीवन को बहुत बड़ा संबल प्रदान करने वाली कथा है, बहुत बड़ा आधार देने वाली कथा है। भगवान ने एक तो हाथ रखा हनुमान जी के ऊपर और दूसरा मुद्री दी मुद्री, उस मुद्री में मणि है, उस मणि में राम नाम अंकित अति सुंदर, वो राम नाम रूपी मणि है, इसलिए राम नाम रूपी मणि हनुमान जी को मिल गई। अब आप कहोगे, स्वामी जी ये मणि तो मिल गई है हनुमान जी को, हाँ, अब हनुमान जी इस मुद्री को रखेंगे कहाँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हनुमान जी ने कहाँ रखा है? बस इसी पर आपको विचार करना है। बोले, प्रभु मुद्रिका मेला मुख माही। उस मुद्री को हनुमान जी ने मुख में रख लिया। मुद्री को मुख में रखा जाता है कहीं? मुद्री तो उंगली में पहनी जाती है अथवा पॉकेट में रखी जाती है, जेब में रखी जाती है, लेकिन इस मुद्री को हनुमान जी ने मुख में रखा। मुख में कई मुद्री रखी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम नाम जेब में रखा जाता है क्या? जल्दी बोलो। राम नाम जब भी रखा जाता है तो मुख में रखा जाता है? बोलो भैया, रखा जाता है कि नहीं?